बैंकिंग इट इज द नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर योर चैप्टर मनी. मनी के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज योर बैंकिंग, वो हो जाएगा आपका बैंकिंग का चैप्टर. देखिए अगर मैं सिंपली बात करती हूँ लेमेंस की लैंग्वेज में दिया गया है बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन. बैंक एक इंस्टीट्यूट है जो रिसीव करता है आर डिपॉजिट्स. आर डिपॉजिट्स हमारे डिपॉजिट यानी कि हम पैसा जो उसको देते हैं एंड गिव्स लोन्स. बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है हमारे डिपॉजिट्स को हमारे पैसे को एक्सेप्ट करता है और हमें एडवांस देता है. इट मीन्स इट प्रोवाइड्स अस लोन. बैंक आर डिफाइंड एज इंस्टीट्यूशंस डीलिंग इन क्रेडिट. बैंक ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्रेडिट के अंदर क्या करते हैं डील करते हैं. थस एनी इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. पब्लिक से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट. अगर पब्लिक अगर उसे लेना चाहे वापस दैट इज होल विड्रॉएबल बाय चेक्स. वो चेक से विड्रॉ किया जाता है, चेक से उसकी पेमेंट की जाती है एट एडवांस बैंक. देखिए बैंक क्या होता है. वट इज अ बैंक. सिंपली अगर मैं बात करूं और आपसे पूछती हूं कि बैंक क्या है तो एक नॉर्मल पर्सन का एक नॉर्मल सा आंसर होगा एन इंस्टीट्यूशन. बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, एक शाखा है या एक ब्रांच है, कुछ भी है जो क्या करता है. ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी पहचान क्या है. इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारे बिल्डिंग्स, लेकिन इसके क्या पहचान है. इसकी पहचान ये है ये एक्सेप्ट करता है लेता है डिपॉजिट. डिपॉजिट देना. क्या लेता है मनी फ्रॉम पब्लिक. ठीक है. एंड दिस इज द फर्स्ट वन. एंड एडवांसेस लोन और लोन देते हैं किसे. दैट इज ऑल्सो गिवन टू द पब्लिक. वो भी पब्लिक को दिया जाता है. सो जिसके अंदर जिस इंस्टीट्यूट के अंदर ये दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं कि लोगों से एक्सेप्ट करना मनी और लोगों को एडवांस देना मनी दैट इज बैंक. अब बैंक के अंदर द मनी विच इज डिपॉजिटेड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक ने डिपॉजिट करवाया है वो विड्रॉएबल. ठीक है, उसे विड्रॉ करवाया जा सकता है, निकाला जा सकता. That is withdrawable. लेकिन वो निकालेंगे कैसे, चेक से क्या है उसे निकाला जाए. नाउ देर आर सर्टेन थिंग्स, एटीएम कार्ड हो गए हैं, ऑनलाइन पेमेंट तो उसको यूज कर लिया जाता है. अमाउंट विड्रॉएबल होता था पहले सिर्फ चेक से. और वैसे भी अभी अगर हम मनी की फॉर्म में लेकर आए अगर करेंसी अगर बैंक से विड्रॉ कराते हैं तो देन वी हैव टू ऑल्सो पे चेक एंड आफ्टर दैट वी गेट द मनी. ये बात आपको सबको क्लियर हो गई यहां तक. नाउ अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग कंपनीज एक्ट, अब मैंने आपको कई बार बता रखा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यानी कि बैंकिंग कंपनीज बैंकों के अंदर जैसे कमर्शियल बैंक हो गए या अदर जो प्राइवेट बैंक होते हैं तो इसे इन्हें क्या कंसिडर किया गया है दैट दीज ऑल कंसिडर्ड एज अ बैंकिंग कंपनीज. और एक हमारा बैंकिंग कंपनीज एक्ट That is 1949. ये जब बनाया गया था बेटा when RBI का क्या किया गया था nationalization. When RBI is nationalized. RBI का जब nationalization किया गया था तब बना था Banking Companies Act 1949. और RBI का nationalization भी 1949 के अंदर हुआ था. In 1934,
आरबीआई के फॉर्मेशन के लिए रेजोल्यूशन पास किया था? लेकिन 1935 के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की गई थी आरबीआई की, और इन 1949 इसका नेशनलाइजेशन किया गया। ठीक है, सो नाउ अब हमारे पास आ जाते हैं कि बैंक के इसेंशियल फीचर्स क्या है, क्या विशेषताएं हैं बैंक की। तो बेटा बैंक की यही है विशेषता कि जो बैंक है वो क्या करता है, पब्लिक की जो डिपॉजिट्स है उनको एक्सेप्ट करता है और पब्लिक को क्या करता है, एडवांस देता है, लोन अवॉइड प्रोवाइड करता है, किसके ऊपर, विड्रॉएबल बाय चेक्स, सॉरी पब्लिक लोन प्रोवाइड करता है पब्लिक को, और जो पब्लिक के डिपॉजिट्स है दैट आर विड्रॉएबल बाय चेक्स, और पब्लिक के जो डिपॉजिट्स अमाउंट है वो विड्रॉएबल है किससे, चेक्स। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है बेटा एक और आपके पास एस्पेक्ट, दैट इज द पोस्ट ऑफिस, कि हाउ द पोस्ट ऑफिस डिफरेंट फ्रॉम बैंक। बेटा पोस्ट ऑफिस क्या करता है, लोगों से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। एक सेकेंड, क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। ठीक है, बट पोस्ट ऑफिस डजंट प्रोवाइड लोन्स। पोस्ट ऑफिस लोन प्रोवाइड नहीं करते, आई थिंक यू गॉट इट। इसके बाद में आ जाता है आपका नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। अगर हम बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आवर कमर्शियल बैंक, और हिंदी में अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या होते हैं, वाणिज्यिक बैंक। व्हाट डज कमर्शियल बैंक मींस, अब बात आती है कि कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, क्या पहचान होती है किसकी, कमर्शियल बैंक्स की। हाउ डिड यू कम टू नो दैट दीज आर द कमर्शियल बैंक्स। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये जानना कि दैट इज दिस इज